हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप कि तुम सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। आओ स्टार्ट कर दे अपना आज का सेशन जिससे सीख करन जा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट अपने फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म्स नेक्स्ट वाली। और आई होप कि तुम्हें ये सेशन बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इस पर बात थोड़ा डाउट नहीं रहने वाला इन्ना टर्म्स से रिलेटेड। ठीक है, सो तुम सोच रहे होगे कि आज मैम क्लास लगाना है कि या फिर गाना सुनाना है। तो शायद आज की क्लास सिर्फ अपनी गाने के ऊपर ही डिपेंड है, सॉन्ग्स के ऊपर ही डिपेंड है। इसको रीड करके दसो कि इथे कुछ कोई ने किसे गल नू बहुत ही चंगी तरह उदा चढ़ा के, समझ रहे हो, काफी अच्छी तरह राई दा पहाड़ बना के दसया गया है। कहंदे जी, ओ चन्न दी कुड़ी बदलां दी भैन, सारे तेनू बिजली बिजली कहन, जिहदे उत्ते गिरदी पता नहीं अगो की है, वट एवर। ठीक है, सो बई ऐदां लग रहा भी कुछ ये हार्डी सन तू थोड़ा जा ज्यादा ही गल नू वधा चढ़ा के कर रहे। चन्न दी कुड़ी बदलां दी भैन, सारे तेनू बिजली बिजली कहन। हुण तुसीं एक गल दसो, एक कुड़ी बिजली बिजली किवें हो सकती है, एक लड़की बिजली किवें हो सकती है? आई नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा गल नू वधा चढ़ा के दस्या गया है। बिजली दे कोल जाओ तां करंट लग सकदा है, तां इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, बट हां इन्ना जरूर समझ आ रख्या है कि इत्थे उसने अपनी गल नू बहुत ही ज्यादा वधा चढ़ा के दस्या है। दिस सॉन्ग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म। केड़ी फिगर ऑफ स्पीच? दैट इज हाइपरबोले। हाइपरबोले दी बेस्ट एग्जाम्पल है हार्डी संधु का इस सॉन्ग, जिस चोने एक लड़की का कंपेरिजन बिजली नाल करता है। बिजली नाल करता है तो मतलब जो एक परसन या किसी थिंग बारे बहुत ज्यादा वधा चढ़ा के एग्जरेट करके दसाया जाता है, असं की कह सकते हैं एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट। हाइपरबोले की होता है एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट होती है अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। किसी भी पर्सन और थिंग के बारे जो तो बहुत ही ज्यादा असि वधा चढ़ा के गल दसते हाँ, या कह लो राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, तो बस एग्जाम्पल है किसकी? हाइपरबोले की। ਇਸ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਨੋਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਜਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੋਇਟ ਜਸਟ ਰਾਈਟਰ ਜਸਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਥਿੰਗ ਮੋਰ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਡੇਂਜਰਸ, मोर ह्यूमरस, राइट, मोर ह्यूमरस, हसान ली, डराने ली, वो कुछ ऐसा दे वर्ड्स पा देते हैं। हुण आपां देखिए कुछ किन्ने ही सॉन्ग्स उठा लो, जिवें कहिंदे कि सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, राइट। लगता है किन्नी गल नूं वधा के दस्या होगा कि मैं तेरे पीछे, आज दे टाइम सात समंदर कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, एक दिन च 10 घंटे कवर हो जाता है, कोई मसला नहीं है, बट गल नूं सोचो किन्ना वधा चढ़ा के दस्या होया है, दैट इज हाइपरबोले। बस होर की होना है। हुण अगर एक फेमस एग्जाम्पल उठाइए इसकी, तो यह विलियम शेक्सपियर दे प्ले दी है जिहड़ा कि है मैकबैथ। मैकबैथ काफी फेमस प्लेज विचों है, ट्रेजडीज विचों है, केड़े वाला मैकबैथ, जिहड़ा कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, बाय विलियम शेक्सपियर। इस च की हुंदा है, मैकबैथ मार दिंदा है, किन्नू मार दिंदा है? मैकबैथ किल्स, ये मेन करैक्टर है, किल्स किन्नू मार दिंदा है? ਇਸਨੂੰ, ਇਸ ਐਂਪਲਰ ਨੂੰ, ਇਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਹਾਈਪਰਬੋਲੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚ ਮੈਕਬੈਥ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਲ ਆਲ ਗ੍ਰੇਟ ਨੈਪਚੂਨਸ ਓਸ਼ਨ ਵਾਸ਼ ਦਿਸ ਬਲੱਡ ਕਲੀਨ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਹੈਂਡ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਬਲੱਡ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਬਲੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੋਡੀ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਓਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਰਦਰ ਹੀ ਫਰਦਰ ਸੇਸ, ਉਹ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਬਲੱਡ ਔਨ ਹਿਸ ਹੈਂਡਸ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਬਲੱਡ ਔਨ ਹਿਸ ਹੈਂਡਸ ਦੈਟ ਦੇ ਵੁੱਡ ਟਰਨ ਨੈਪਚਨਸ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਜ਼ ਰੈੱਡ।
मतलब भी जेडे उत्थों दे सारे ग्रीन सीज ने उन्हां दा सारिया दा कलर बदल के की हो जुगा, रेड हो जुगा, खून ही खून हो जुगा, सारे पानी दी जगह ते बदल के सारा कुछ रेड हो जुगा, मतलब सारी जगह ते ब्लड ही ब्लड हो जु, मतलब इन्ना ज्यादा ब्लड है, इन्ना ज्यादा ब्लड है। तो सोचो किन्ना गल नु वधा के किन्नी डेंजरस थिंग लग रही है सोचन ते कि किन्ना सारा ब्लड होगा। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले, समझ आ गया होगा, भूलोगे नहीं इस चीज को, क्लियर। हम एक चीज हो रहा है, जे असि गल करिए जेड़ा विलियम शेक्सपियर दा मैकबेथ प्ले है, एक काफी ज्यादा फेमस है, इन्दे विचो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कदों लिखा गया? इट वॉज रिटन बिटवीन, इट वॉज रिटन बिटवीन, अगर गल करिए इन्दे जदों लिखा गया सीगा उस तो पब्लिश दे ये बहुत ज्यादा गैप्स, मतलब जदों ये मैकबेथ लिखा गया सी, मैकबेथ लिखा गया सीगा ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? 1606 ਟੂ 1607 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਬਲਿਸ਼ ਫਰਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਰਾਊਂਡ 1603 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਚ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਕਬੈਥ ਹੈ। ਮੈਕਬੈਥ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਡਨਕਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਬਾਰੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਾਫਰ ਐਂਡ ਸਿਮਲੇ, ਮੈਟਾਫਰ ਐਂਡ ਸਿਮਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਾੜੀ ਸੰਧੂ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਕਦੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਵ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ? ਤਿਤਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਮਾਈ ਬਿਲਵ, ਮਾਈ ਬਿਲਵ ਇਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਸ ਚ ਸਿੰਗਰ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਵਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਅੱਜ ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕੱਲ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਸਿੱਧਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਲਾਈਕ ਔਰ ਅਨਲਾਈਕ ਥਿੰਗਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਨ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸਿਮਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੋ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਿਮਲੇ ਦੀ। ਚਲੋ, ਹੀ ਸੈਟ ਐਜ਼ ਸਟਿਲ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਊਸ ਇਨ ਦਾ ਫਿਟਾਈਲ ਹੋਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਟਿਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਊਸ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਕਿੰਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ? ਇਹ ਜੋਰਜ ਜੋਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜੋਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਪ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਪਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸਿਮਲੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪੀਸ ਇਨ ਅ ਪੋਡ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਟਰ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਟਰ ਦੇ ਦੋ ਦਾਣੇ ਹੋਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ? ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪੋਟ ਪੀਸ ਇਨ ਅ ਪੋਟ, ਟੂ ਪੀਸ ਇਨ ਅ ਪੋਟ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੋਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲਵ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਲਵ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਲਵ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਲਾਈਕ
वर्ड यूज कितना होया है, कंपैरिजन कितना होता है, प्यार कितने में होता है, बटरफ्लाई, क्लियर? ठीक है, इससे डायरेक्ट कंपैरिजन कितना होता है, दो वर्ड्स यूज कितने होते हैं, लाइक एंड एज। चलो नेक्स्ट चलते हैं असि नेक्स्ट एग्जांपल। देखो जी, इट्स रेनिंग कैट, सॉरी इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कंपैरिजन तो होया है, मतलब इतना ज्यादा मीह पै रहा है, जिवें इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बहुत ज्यादा मीह पै रहा है, बहुत ज्यादा मीह पै रहा है। ठीक है, दो चीजों को बराबर करके दिखाया जा रहा है भी मी किवे पै रहा है, बहुत ज्यादा मी पै रहा है। ठीक है, हुण इस की है, ये साडे कोल एग्जांपल है मेटा। मेटाफर की हुंदा है, जदों असी यूज टू मेक अ कंपैरिजन, कंपैरिजन यूज करने वास्ते कीता जांदा है, कंपैरिजन कीता जांदा जिवें सिमले विच कीता जांदा, सेम मेटाफर विच भी कंपैरिजन हुंदा, बट द डिफरेंस इज दैट कि जिहड़ा सिमले हुंदा है, सिमले च लाइक एंड एज वर्ड यूज करके ही कंपैरिजन कीता जांदा है, दसा जांदा भी इह चीज उहदे वर्गी है, बट मेटाफर च लाइक एंड एज वर्ड यूज नहीं कीता जांदा, कंपैरिजन हुंदा है इनडायरेक्ट वे नाल, सानूं समझ आ जांदी है। क्लियर, सानू समझ आ जाती है। देखो, इट इज अ वर्ड और फ्रेज, एक वर्ड या फ्रेज होता है यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू डिस्क्राइब समथिंग एल्स, कुछ होर डिस्क्राइब करने लिए उसनु यूज किया जाता है। क्लियर, ठीक है जी। हुण मैं अगर बोला, देखो एग्जाम्पल देखो इसकी, एक होर, शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। हुण की क्या उन्दे उन्दा जड़ा उन्दी जड़ा दिल है, आपां कहने आ मतलब एक इंसान दी अच्छाई दा कंपैरिजन, कहिंदे उन्दा दिल बहुत अच्छा, भी उन्दा दिल अच्छा है, मतलब उन्दी नेचर बहुत अच्छी है, तां आपां कंपैरिजन करता हुंदा किंदे नाल, मतलब गोल्ड नाल, कि उन्दा जड़ा हार्ट है ना गोल्ड वर्गा प्योर है, गोल्ड वर्गा प्योर है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। अगर मैं बोला माई सिस्टर, माई सिस्टर इज अ काउच पोटैटो, माई सिस्टर इज अ काउच पोटैटो, इसका मतलब की होया? काउच पोटैटो किन्हें बोलते हैं? उन्हें सीधा नहीं किया, देखो कि मैं एक फ्रेज यूज किया हुआ है, माई सिस्टर इज काउच, काउच पोटैटो मतलब एवं का पर्सन जो वेला रहता है, टीवी टूवी देखता रहता है सारा दिन, कोई काम नहीं करता, आइडल होंगे, बिल्कुल वेला होंगे, उन्होंने बोलते हैं काउच पोटैटो, खा लिया पी लिया टीवी देख लिया चल बस, कोई काम ना किया, तो उन्हें कंपेरिजन करता अपनी सिस्टर का। क्लियर, कंपेरिजन करके दिखाता किन्हें, काउच पोटैटो नाल। ओके, समझ आया? अगर मैं बोला एक होर एग्जाम्पल देखो, शी इज ना ना नोट डाउन करते चले, ताई तो मैं टाइम दे रही कि नाना लिख लिया करो, शी इज सच ए फायर क्रैकर, फायर क्रैकर इसका मतलब की? आप पंजाबी च नहीं कहते निरी अग, वो तो भी निरी अग है, अपने क्या जाता है पंजाबी, आप की कहने निरी अग, वो तो निरी अग है, हुण एक्चुअल च थोड़ी ना अग है, कंपैरिजन तो करता अग नाल हुंदा, कंपैरिजन तो करता हूं अग ना, जमा अग है यार, अग वर्गी है, मतलब इन्ना गुस्सा आंदा, इन्ना गुस्सा भैड़ा आंदा, पूछो ही ना, मतलब जिवें अग पूरी गर्म होंदी ना ओवें गर्म है। ठीक है, तो मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं सी, बट उस लाइक एंड एज वर्ड्स नहीं आएंगे, दैट इज कॉल्ड मेटाफोर, राइट? दीज आर द थ्री फिगर ऑफ स्पीच जिहड़ी आपां अज दी क्लास कंप्लीट कीती है, याद रखोगे इहनूं सोंग दे थ्रू, जदों तुसीं इसनूं सोंग दे थ्रू याद रख लोगे तां बहुत ही इजीली तुहानूं इह याद रह जाणगे, डेफिनेटली सोंग दी एग्जाम्पल है। ठीक है, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਚ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਲਿੰਗਵਿਸਟਿਕਸ, ਲਿਟਰਰੀ ਟਰਮਸ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ 'ਚ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਹੈ कि इस बैच कंटेंट जो भी मिलेगा वो मोर देन सफिशिएंट होएगा, इट इज अ कंप्लीट बैच विद द टेस्ट सीरीज, क्लासेस होनगियां, राइटर्स काम करांगे, वन बाय वन राइटर नु खत्म करने की जल्दी कोशिश करांगे। तो देखो मास्टर कैडर का मतलब की हुंदा है, चीजां नु बहुत जल्दी आपां रिवाइज करिए, रीड करिए, सीखिए, उस तो बाद उन्हें मैक्सिमम रिविजन, मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम उन्हें टेस्ट लगाना ही हल हुंदा है, बेस्ट सोल्यूशन इस दा सिर्फ यही है। ठीक है जी, इस क्लासेस मिलेंगे तुहानू, नोट्स भी एमसीक्यूज मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स होंगे तुहानू मिल जाते सारे, उस तो बाद इस टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगा। क्लियर,
फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत है इस नंबर पे तुसी व्हाट्सएप या कॉल करके गल कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। प्राइस इस दा किन्ना रहेगा? 3999 है। 1 साल दी इस बैच दी वैलिडिटी रहेगी। 1 साल तुसी एसेस कर सकते हो इन सारे कंटेंट नु, वो तुहाडे कोल रहूगा। क्लियर? किथे मिलेगा ये? सोनिया अरोड़ा ऐप दे उपर मिलेगा। प्ले स्टोर तो तुसी ये वाली सोनिया अरोड़ा ऐप डाउनलोड करोगे, फिर भी कुछ ना समझ आए यू कैन कॉन्टेक्ट, तुसी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बस इन्ना श्योर है किसी लिटरेचर लिटररी टर्म्स ग्रामर बराबर काम शुरू करांगे। मेन मोटिव की है बहुत जल्दी काम नु खत्म करके एक बारी देखो इन्ना वास्ट सिलेबस है ना, जे आज मैं तुहानू इत्थे घंटा डेढ़ लाइव क्लास पढ़ावा ना तो घट्टो घट 4 तो 5 महीने सिलेबस नहीं मुकदा। बट इस च कोशिश यह है भी डेली का काम तुहानू इन्ना प्रोवाइड किया है, डेली 3 तो 4 घंटे का रिकॉर्ड करके काम तुहानू प्रोवाइड किया है, सो दैट की तुसी जल्दी नाल चीजा नू ग्रास करो। हुण कुछ स्टूडेंट्स इदां दे गल दसदे है ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੈਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਲਗਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਚ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 2.5 ਮੰਥਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਨ ਕਰਕੇ मैक्सिमम, तो उस बाद आप मैक्सिमम टेस्ट रिवीजन एमसीक्यूज लगाते चलिए। ठीक है जी, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।